लॉर्ड गिज्मो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे एग्रीकल्चर की कुछ कूल मशीन्स जो खेतों की पैदावार को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्जियों की बड़े पैमाने पर पैदावार बढ़ाने में ट्रांसप्लांटर एक अहम रोल निभा रहे हैं। ऐसे ही एक ट्रांसप्लांटर यानमेर ने बनाया है। PH1 एक मल्टीपर्पज मशीन है जिसे गोभी और ब्रोकली उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह न सिर्फ वक्त और लेबर की बचत होती है बल्कि ये मशीन प्लांट्स ट्रांसप्लांटेशन को सेफ और सिक्योर बनाती है। क्या आप जानते हैं कैबेज यानी बंद गोभी को सबसे पहली सब्जी माना जाता है जिसे इंसानों ने आज से 4000 साल पहले काश्त करना शुरू किया। हर साल दुनिया भर में 1 मिलियन टन कैबेज पैदा होती है। पैदावार बढ़ाने के साथ साथ दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी से काश्त को आसान बनाने पर भी काम कर रही है। ASA लिफ्ट का ये हार्वेस्टर भी ऐसी ही एक काविश है। इसे कॉम्बी 1010 कहते हैं जो अपनी मजबूत डिजाइन और शानदार परफॉर्मेंस से जाना जाता है। हार्वेस्टर का ब्लेड गोभी को काट कर बेल्ट पर डाल देता है जहां से गोभी कन्वेयर बेल्ट पर चलती हुई मुख्तलिफ रूट क्लीनर से गुजरती है। पत्तों की छांट के बाद उसे स्टोरेज बॉक्स में डाल दिया जाता है। कॉम्बी 1010 से आप कई टन तैयार गोभी सिर्फ कुछ घंटों में निकाल सकते हैं। गटलर सुपर मैक्स एक पावरफुल मल्टीपर्पज कल्टीवेटर है। इससे न सिर्फ सीड बेड तैयार किया जाता है बल्कि ये अनोखा फार्मिंग टूल स्टबल ब्रेकिंग, सॉइल लेवलिंग और वीड कंट्रोल के काम भी आता है। सुपर मैक्स 12 मीटर तक चौड़ा है जिससे मिलती है शानदार प्रोडक्टिविटी। आप इसे किसी भी ट्रैक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। बीज बोने से पहले सॉइल को रिकॉम्पैक्ट करने की जरूरत होती है। सुपर मैक्स ये काम सिर्फ एक पास में बड़ी आसानी से कर लेता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सीडर से बीज को मट्टी में एक खास डेप्थ में बोया जाता है ताकि प्लांट आसानी से बाहर ग्रो कर सके। मगर ये मशीन बीज बोने के अलावा और भी बहुत सारे काम इकट्ठे कर लेती है।
जैसे कि प्लांट्स बोने से पहले सीड बेड यानी कियारी बनाने की जरूरत होती है, जिसे रिजिंग भी कहते हैं। इसी तरह सॉइल कवरिंग के लिए एक प्लास्टिक की लेयर भी चढ़ाई जाती है। मजीद अगर सॉइल में बीमारी फैलाने वाले कीड़े और माइक्रोब्स हों तो सप्रेशन यानी सॉइल को प्रेस किया जाता है। YK850 ये तमाम काम सिर्फ एक ही प्रोसेस में मुकम्मल कर लेती है। आजकल 400 शुगर केन हार्वेस्टर के चर्चे पूरे इंडिया में हैं, क्योंकि इसने 41 टन पर आर की एवरेज देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये खास तौर पर छोटे और मीडियम साइज के ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। सिर्फ 4 फीट चौड़ा साइज होने की वजह से दूसरी रोज को बिना नुकसान पहुंचाए इसे चलाया जा सकता है। हार्वेस्टर की बॉडी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, ताकि ये गीली फसलों पर भी पूरी तरह प्रोडक्टिविटी दिखा सके। अगर आजकल फार्मर्स के दिलों पर किसी हार्वेस्टर का राज है तो वो है जैगवार फोरेज हार्वेस्टर। क्लास की बनी बाकी सारी मशीन्स की तरह ये भी हर किस्म के चैलेंज से निमटने के लिए रेडी रहता है। एक ही ट्रैक्टर पर मुख्तलिफ फसलों के मुताबिक अटैचमेंट लगाने से हार्वेस्टिंग पोटेंशियल और क्वालिटी में बेहद इजाफा होता है। इसके ऑर्बिस की तरह दिखने वाले ब्लेड खास तौर पर भारी पैदावार के लिए बनाए गए हैं। ये हर तरह के स्टॉक्ड क्रॉप्स के लिए बेहतरीन चॉइस है। वाकई ये किसी अजूबे से कम नहीं है। ब्रसल एक गोभी की तरह का वेजिटेबल है, जिसके खिलते फूल को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सब्जी आमतौर पर बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में उगाई जाती है, शायद इसी वजह से इसका नाम भी ब्रसल्स स्प्राउट है। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे मशीन प्लांट को एक रोटेटिंग ब्लेड से काट रही है। वर्कर हर प्लांट को हाथ से उठा उठा के मशीन में डालते हैं, जहाँ फूल को मशीन बड से अलहदा कर देती है। वाह, क्या बात है, इन मशीन्स का कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो?
हमारे कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।